वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन आप अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको यहाँ पर रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख जाएगी, यहां पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों यहां पे मैं अगर आप अपने मोबाइल फोन से करना चाहें तो भी कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली यहां पे न्यू टैब ओपन करना है और सो दोस्तों आपको ब्राउजर में सिंपली न्यू टैब ओपन करना है और यहां पे आपको सर्च करना है NVSP। ठीक है, आपके सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली वहां पे सर्च कर दे रहे हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे इस तरह से। ठीक है, आपको यहाँ पे आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है और इसके बाद आई डोंट हैव EPCI आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ और यहाँ पे दिख रहा है कि ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉल वेरिफिकेशन पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है और यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर पे अनरोलमेंट मेंबर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देते हैं और यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे दे दीजिए और इसके बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया है ग्रीन टैब पे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में सेलेक्ट करना है इंडियन और इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका स्टेट, यानी आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने फॉर्म नंबर 6 ओपन होगा और इसे हमें यहाँ पे फिल करना है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है और यहाँ पे टोटल 7 स्टेप में हमें फॉलो करना है। तो 6 स्टेप में फॉलो करना है, लास्ट का तो प्रीव्यू रहता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है, इसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर देना है, जो भी आपका है आप यहाँ पे दे लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो मैं दे देता हूँ, आपका जो है वो दे दीजिए और इस फॉर्म को फिल करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मैं फॉर्म को फिल कर लेते हैं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ इतने ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान पोस्ट, जो भी ऐप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फाइल होती है वो, या फिर राशन कार्ड, वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल और यहाँ पे गैस कनेक्शन, तो जो भी इनमें से है आपके पास वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ राशन कार्ड, हमने यहाँ पे राशन कार्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे राशन कार्ड का एक फाइल अपलोड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक किया, राशन कार्ड की एक फ़ाइल अपलोड कर लिया और यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 MB से ज़्यादा आपकी फ़ाइल नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में ये होना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फैमिली यानी यहाँ पे EPCI नंबर डालना है, यानी किसी का भी एक वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे देना है। तो मेरा यहाँ पे जो वोटर आईडी का कार्ड का नंबर है हमने यहाँ पे सेव करके रखा है और ये चीज़ हमने यहाँ पे सिंपली कॉपी किया और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे अब पेस्ट कर देते हैं वो चीज़। ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमने यहाँ पे दूसरा स्टेप पे आ गए और यहाँ पे हमें अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर योर डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, यानी जन्मस्थल है अगर वो बिहार है या फिर कहीं भी है तो हम यहाँ पे वो डिटेल्स फिल करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें।
डाल दिया, और इसके बाद आपको यहाँ पे वहाँ का जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी 10वीं या 12वीं की जो भी मार्कशीट है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट है आप तो भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, आधार कार्ड है वगैरह है तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आप सिंपली यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट सेलेक्ट करने वाला हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे 10वीं, और इसके बाद मैं यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये दोनों अपलोड हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे तीसरा स्टेप पे आ गए हैं, और यहाँ पे आपको जो पोलिंग बूथ है आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने पिन कोड डाला उसके बेस पे यहाँ पे ओपन हो रहा है, और यहाँ पे हमें घोषित सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे घोषित सेलेक्ट किया, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करना है। जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे देना है, फर्स्ट में आपको अपना नाम देना है, लास्ट में आपको अपना सरनेम दे देना है, और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको अपना एक पर्सन का नाम सेलेक्ट करना है, चाहे आप मदर, फादर या फिर हस्बैंड, आप किसी का भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका रिलेटेड आप यहाँ पे डालना चाहें। तो मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट करता हूँ, और इनके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप फादर सेलेक्ट करते हैं उनका आपको यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया, और यहाँ पे आपको सरनेम दे देना है उनका, और यहाँ पे हमने सरनेम दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली कोई भी एक उनका डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हम यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी देना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। सो दोस्तों, ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बेहतर रहेगा कि जो भी अपडेट रहेगी आपको अपने मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू मिल जाएगा। तो आपको जो भी देना है मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ने यहाँ पे दे दिया, और सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पैलेस डालना है, यानी आप जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का जो जन्मस्थल है आपको वहाँ पे डालना है। तो जो भी आपका है आप यहाँ पे डाल लें, हमने यहाँ पे दे दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपकी डेट है वो डाल लें, और यहाँ पे आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे फिल हो गई है, और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहेंगे, और यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये नंबर शो हो रहा है, और इसका जो स्टेटस है वो आप ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है सर्विसेज में, और आपको यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करना है। ट्रैक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी वो आईडी दी गई है वही चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है, वही चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे ट्रैक करना है। तो दोस्तों, मैंने आज ही ये एप्लीकेशन सबमिट किया है, क्या रिस्पॉन्स आता है ये आप अपना ट्रैक करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनली आज की इस वीडियो में यही, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। सो दोस्तों, फाइनली आज की इस वीडियो में बस यही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।